हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज है कौन सा दिन है जल्दी है? कौन सा दिन है? आज है वीरवार, थर्सडे है। तो देखो मैं उठ गई हूँ, आना पड़ रही है और मैं उठ गई हूँ। अरे अरे अभी भी नहीं उठी, आई उठ रही हूँ, बस उठ रही हूँ। आई देखो टाइम क्या हुआ, मैं तो उठी थी बहुत पहले। ये देखो, देखो मेरी दो ड्रेस, ये चिल्लाते इसलिए इनको नहीं बताया मेरी ड्रेस। तो गाइस मैंने कल लिया था साग लिया था, तो मैंने काट वाट के रख दिया था। तो अब मेरे जो पति जी हैं वो जा रहे हैं बनाने। वो देखो लहसुन वसुन छील लिया इन्होंने, अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फिर आकर जो भी करना है। गाइस चलते हैं पहले ऊपर, बाहर का कुछ नजारा देखते हैं। ओ माय गॉड, आज का मौसम तो खतरनाक है। ओ धुंधु धुंधु धुंधु, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और देखो कैसा कैसा कोहरा छाया है। चलते हैं हम नीचे वॉशरूम। जो मन में तो हरे सबर रही ए राजा जी, तो पतली कमरिया जिंदगी भर रही ए राजा जी। तुम उसे क्या करवा रहे हो हैं? क्या कर रही हो तुम? इनका ही काम हो सकता है। गाइस तो मैंने ये सांप काट के रखा यार, कल खरीदा था, कल खरीदा था, फिर मामा के इधर ही सबसे छटवा के बिचरवा के कटवा के तो लेके आई वहां से। देखो इसमें बाथू, पालक, सरसों, मेथी, सोया जरा। गाइस मैं आज दिखाती हूँ कि मेरे घर में साग कैसे बन रहा है। अगर कीचड़ कीपड़ लगा तो इग्नोर करना, ओके? ये देखो पहले तो आटा साना जाता है, क्या साग चढ़ा है भैया। ऐसे कौन बनाता है? वहाँ देखो दोनों बाप बेटी सुबह उठ के काम में लगे। लाप जैसन खिलल बाड़ू, तू भावरा से मिलल बाड़ू, और तो दिल के कोतल बाड़ू, के कर मेहनत के फल बाड़ू। लाली ललिया आगे गा रही है, रोबोट ललिया। इसको देखो, इसको देखो, रुको रुको लो, ये बोतल इतने सालों से ऐसी वेस्ट पड़ी है, तो इसमें मुझे पानी गर्म करके दो, क्योंकि मेरे अंदर पानी कमी होगी, मेरे दांतों में ठंडा पानी बहुत लग रहा है, तो गर्म करके इसमें भर। ये दोनों लोग दुकान जा रहे हैं, दुकान जाने की तैयारी देखो, क्योंकि बाहर बहुत क्या है। तो गाइस जैसा कि मैंने इनको कहा था बट इन्होंने नहीं गर्म किया, तो मैंने खुद गर्म कर लिया है। तो गाइस मैंने भर लिया है पानी अब, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी हैं जब वॉशरूम जाती हूँ, तो डॉक्टर ने बताया पानी की कमी से बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हो ना, इसलिए। वो डॉक्टर पता कौन है, ज्योति। वैसे डॉक्टर से भी पहले भी मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने बात की है तो बोला है डॉक्टर। तो गाइस आपको एक चीज बताने के लिए भूल गई थी, जब हमने ये साग रखा बोलने के लिए, हमने क्या उन्होंने तो इसमें बहुत सारा लहसुन और मिर्चा थोड़ा सा और पता नहीं अदरक वदरक पता नहीं अटन सटन दुनिया का इन्होंने वो भी डाल रखा है। मैं इसको घोंट देंगे, फिर इसको बाद प्याज लहसुन टमाटर पता नहीं किस किस चीज से तड़का लगाएंगे। देसी घी में बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग ऐसे सरसों के तेल में लगाते हैं, जिसको जैसे पसंद है। ये पंजाब का फेमस साग सरसों का साग, मक्के की रोटी। ओके तो गाइस पानी गर्म किया है तो क्यों ना पी ही लूं, है ना, पी लिया ही चाय है कि नहीं। ओ लो देना पानी, इसमें पकड़ो, मेरा ब्लॉग चल रहा है। ये क्या कौन सा स्टाइल था है, ढंग से पूरा ठंडी मेरे से ही बर्तन धुलवा रहे हो बड़े यार। ये पुल्लो पुल्लो चुएगा, पूरा ढक्कन खोल, बंद नहीं किया ढक्कन, तो कहां निकले तो कर दो ना। दिखाओ क्या लाई हो दुकान से, हाथ में दिखाओ हाथ में। ए बटरफ्लाई लाई, ऐसे ठीक से करो, चमक रही है ढंग से, चमक नहीं रही पता नहीं कैसे। ये सब अटरम सटरम लाई, नहीं निकलेगा बाबा, खराब हो गया, बिना यूज करे ही गिरा दो सब जगह। अब पी लूं गर्म किया तो, बस देखो मस्त धुआं। मेरे लिए भी लाई हूँ, कहाँ चिपकाया है इनके पापा ने। टाइम टू ड्रिंक वाटर होता है। हाँ? टाइम टू ड्रिंक वाटर। इसका हिंदी करना जरा। मैं चलो पानी पीती हूँ। टाइम टू ये क्या था? गुड फादर होते हुए आना का टिफिन चेक किया जा रहा है, दिखा सारा मशरूम मटर बचा के आई, उसमें रोटी देखो, कल मैंने इसका टिफिन नहीं निकाला। हाँ रोटी फिनिश कर लिया, पर इसके बैग में भी रोटी मिलती है, देखो बैग चेक करो, रोटी बैग में पूड़ियां बैग में घुसोड़ के लाती है भाई, काले पैर में। हाय रब्बा फ्लैश जलाया फिर भी पैर कैसे दिख रहे हो, माय गॉड, ज़ूम करके दिखाती भाई। अरे ची 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 ची, इस आदमी के पैर है, तुम्हारा मुंह साफ है, पैर इतने काले क्यों है? ची ची। तो गाइस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सिर्फ खाना बना देते हैं, खाना में क्या रोटी कभी नहीं बनाते हैं, रोटी मैं बनाते हैं। ये बर्तन जला जला के रख देते हैं, उसको धोती मैं हूँ। जैसे कि कढ़ाइया तल तल के एकदम काली चीज कर दी थी, साफ नहीं हो रही मेरे से, बड़े मुश्किल से
साफ किया और ये अंदर से तो जैसे लग रहा है इसमें साफ ही नहीं होना है, मैं बहुत थक गई गाइस, तो अभी इसको मैं काला ही रहने दूंगी, बहुत थक गई। तो अब मैं जैसा कि जा रही रोटी बनाने, और ये आना बहुत दिनों बाद, कम से कम महीनों बाद मैगी खाने जा रही हूँ, मैगी बन रही है। मैं भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बस मैं शूट करती हूँ इनका दिखाती हूँ, मेरा नहीं शूट करते ना, मैं ज़्यादा दिखाती हूँ। इतनी ठंडी पड़ी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं करती हूँ, मैं खाना गाइस ये क्यों बनाते पता है, इन्हें पसंद भी नहीं आता, मैं बनाती हूँ तो लड़ने लगना है, फेंकने लगना है, पता नहीं क्या ही करना है, खुद ही बना के खाओ। टिफिन टिफिन टिफिन, चलो दिखा दो इसके ग्लव्स और टोपी, इसके पापा ला नहीं रहे गाइस, मतलब कि पता नहीं कभी लाएंगे वो। दादी को फोन करके बताओ कि पापा टोपी और ग्लव्स नहीं ला रहे थे। चलो गाइस, इसके स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं है ऐसे, मतलब ये घर का ये सब लगाना, बट आज भेज रही हूँ। इसके पापा को बोल रही थी, कह रहे थे लाऊंगा लाऊंगा, टाइम ही नहीं लग रहा था उनको, मुझे ही लाना पड़ेगा लग रहा है। मैम बेटा कुछ बोलेगी ना, आज के दिन मैनेज कर लो है, क्योंकि देखो गाइस ठंड। बाय, तो गाइस मैं आप तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें लास्ट में मेरे पति जी ने मक्की का आटा डाल के ऐसे धुलाया है, मक्की का आटा नहीं था सॉरी, हमने बेसन डाला है तो घोटा है, और इसमें जब उबालते टाइम लहसुन प्याज मिर्च अदरक टमाटर है ना, इतना कुछ डालते ना, तो डाल दो, जब पक जाए इसको कस के आउट दो, घोट दो, फिर बाद में तड़का लगा दो, जैसे कि मैं लगा दूँ जितना खाना उतना तड़का लगाओ, बाकी बाद में लगाओ गरम गरम, ठीक है। तो बस टमाटर नहीं है अभी, तो शाम को प्रॉपर दिखाऊंगी तड़का लगा के, ठीक है। कढ़ाइया तो मेरी ऐसे लग रही है जैसे मैं क्या बताऊँ, बस मैं बता नहीं सकती, अरे मेरी चाय बन रही है। तो गाइस बहुत टाइम लगता है साग बनने में, हमने 7:30 रखा था ना, 9 बज गए अभी तक साग ये कम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट ही है, टेम्परेली अभी खाने जितना कर लेते थोड़ा बहुत, शाम को इसको प्रॉपर अच्छे से तड़का लगाएंगे, और साग कढ़ी गाजर का हलवा ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, अभी इस ठंडी हमने ये फर्स्ट टाइम बनाया साग, अच्छे से अभी घोट भी नहीं पाए, बस हमें खाना यार, बस करो इतना। तो गाइस अभी ये इनकम्प्लीट ही है, शाम को ये आएंगे ना जब ड्यूटी से, फिर तड़का लगवाऊंगी इनसे, कितना कम। तो गाइस इसमें लास्ट में हस्बैंड जी बोल रहे देसी घी डाल दो, ये मम्मी ने घर पे निकाला था वो दिया हमें, साग बनाने में सच में बहुत ही टम्मा लगता है यार। गाइस ये रहा हमारा नाश्ता, 3-2 कप ये रहा एक, वो 3 में क्यों है क्योंकि एक ज्यादा हो गया था ना, दूध ही दूध का बनाया है, तो ऐसे खाना चाहिए घी लगा के मस्त, मक्की की रोटी तो मजा आता ना बनाना, तो सच बताओ। गाइस बहुत अच्छा बना, थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया इस पति ने मेरे ना, इतना अच्छा साग बनाया ना, 3 रोटी खा गया, मैं पतली कैसे होंगी अगर ऐसे खाऊंगी तो। हे गाइस तो हो गई है दोपहर, 2 बज गए हैं, मतलब दोपहर हो गई है, अब 2 बजे पता नहीं, दोपहर है बीच का टाइम है, अब मैं जा रही हूँ मामा के घर, मुझे काम है, और मैं वहाँ बैठ के स्वेटर भी बना लूंगी अपना, ये देखो मैं खाना का इतना ब्यूटीफुल सा स्वेटर बना रही भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो दिखाती हूँ, ये देखो, तो ये मैं बनाऊंगी, जब रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस जा रही हूँ, और थोड़े से कपड़े अच्छे धोने के लिए, तो धो लूंगी फिर शायद से कहीं जाना है हमें, तो जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ जाएंगे। तो गाइस मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ मामा के यहाँ, और ये धो रही तू नहीं डाला सब इसमें, सारा बर्फ डाल के कपड़े घुमा दिए इनने, और ये यहाँ मेरा ऊन है, अभी बिनूंगी, पता नहीं बिन पाऊंगी भी कि नहीं, बस कुछ नहीं, कपड़े धुल जाए तब तक मैं आ जाएगी, फिर हम जाएंगे कहीं, है ना, जो जाएंगे तो फिर हम जाएंगे कहीं पे, पक्का से जाएंगे, तो चलो जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे। तू तो कह रही थी तू ही धोएगी, तू लगी हुई है उसमें, यही धो रही है गाइस, ये देखो, चलो हम चलते हैं, अच्छा आ जाओ ऊपर। कपड़े धुल गए हैं, अरे अभी तो गिर पड़ा रहा है हम, तो ये सूरज लेके जा रहा था, बड़े मजे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, तो ये देखो माइक कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसे हैं आप लोग, तो आप ये सोच रहे हो कि आज वेलकम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंजू की दुनिया थोड़ी सी व्यस्त है, तो फिर आप गेस करो आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं, ओए जंगल में खो गए, यहीं कहीं से आ रही होगी और क्या।
पता नहीं इसमें, हाँ ये पानी आना वाले। ओए ये आने के लिए बहुत नई बातें हैं, ये चीजें ये नई बातें हैं। कुछ नवा नवा देखने को मिल रहा है। ये सीढ़ियां प्लेन ऐसी हैं कि पलट गया ना तो इंसान। हम आपके भाई कौन बन गए? ओए यार सोचो डर लग रहा है। पतली हो जाएगी एक दो बार नीचे। ये देखो फिर यहाँ का व्यू। अरना बच्चा अरना चलो इधर खड़े हो जाओ। तो कैसा लगा? चढ़ के सांस निकल गई। तो गाइस हमने रील्स वगैरह बना लिए और गाइस पता है ये हमारा गिम्बल कहीं को भी भाग रहा है, मूव हो रहा है। अरे अरे मेरे गाइस ये गिम्बल लिया हमने, हमें हैं रुक जा गाइस ये गिम्बल ना इसे चलाना नहीं आ रहा मुझे। अपनी मर्जी से भागता है, ये अपनी मर्जी से भागता कहीं को। अभी देखो हमें इतना दिखा रहा है, एकदम थोड़ा सा दिखा। ये देखो बच्चे आ गए, बच्चे कहां गए? सूरज बोलो एक ये गिम्बल देख सबको मजा आ रहा है। गाइस इस गिम्बल को अभी हम सीखेंगे, ये अपने मन का चल रहा है, हमारे मन के हिसाब से चलना देने के। देखो खुद ही जा रहा है, क्यों हो रहा है ये? खुद हो रहा है। चलो सनराइज दिखाओ, सनसेट हो रहा है। ये देखो सनसेट हो गया, सनसेट। ओए सनसेट नहीं, अरे कहां हो रहा है ये गिम्बल? तो गाइस प्लीज इन्हें वायरल कर दो, बहुत पैसा खर्चा करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो घर वाले भी क्या मतलब थोड़ी आज टूटने लग जाती है इनकी भी, तो फिर अब छोड़ छाड़ ना दे यूट्यूब वगैरह। हाँ इसलिए अपने मन से देखो ये खुद कर रहा है। ये एक गिम्बल पता है, एक गिम्बल होता है जो इंसान को खुद कैप्चर करता है, ये गिम्बल ऐसा इंसान को खुद इसमें कैप्चर होना पड़ता है, जहाँ जाए उधर खुद मूव। मतलब मैंने ज्यादा वीआईपी ले लिया ना। हाँ, तो चल रहा है, मूव होता है ना, क्या ही बताऊं। ये देखो ए, कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखो गाइस जो है यार जूम ज्यादा ही जूम। अरे गाइस देखो ये क्या बना के जा रहे दोनों में अभी भी। बोलो हेलो गाइस, तो कैसा लगा बेस्टी? इन्होंने बोला बोलो हेलो गाइस करना। तूने उस दिन जब से गिम्बल खरीद एक बार भी शक्ल दिखाने आया तू? एक बार सीख लूँ इसको, आज भी लेकर आया ना तो भूल गया ये। वाह काम कर रहा गिम्बल हमारा। ओए उधर मत जा। हेलो गाइस ये गिम्बल देखो मुझ पे फोकस कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो गाइस पता है अब पता नहीं कौन दिख रहा होगा यार इसके ऊपर गुस्सा आ रही है। गाइस पता है जो जिस ऑटो से हम आए थे ना, हमने ऑनलाइन बुक किया था, उसको हमने बोला सॉरी मैं बहुत इसको उसको बोलती उन भैया को हमने बोला कि भैया जी यहाँ से ऑटो वगैरह मिलेगा, कहते हैं क्योंकि हम मैं पहले बहुत बार आई हूँ तो अपने साधन से आने का बहुत फायदा व्हीकल से ना, यही बोलते हैं व्हीकल से आने का बहुत फायदा। अरे हिंदी में यार अपने गाड़ी से घोड़ा पे आने बहुत फायदा है, बट यहाँ से कुछ मिलता नहीं बिकॉज ये जंगल में, यहाँ आगे जयंती देवी मंदिर है, वहाँ दिखती नहीं पर डैम वहाँ दिखता है ना। तो गाइस मुद्दे की बात बताती है, भूल गई मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रही। तो वो भैया कह रहे कि यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें घबराहट हो रही, हमें आया आधा घंटा हुआ ना, अब हम जा रहे घर और देखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस बार हमें नहीं मिला था, बहुत दूर तक पैदल गए थे, तो जाके हमें कहीं एक आइसक्रीम वाली गाड़ी मिली थी तो उस पर बैठ के गए थे। वो ब्लॉग में डाला आप लोगों ने देखा नहीं है। ये शूट हम बहुत मुश्किल से लेते हुए। ये कौन है? अच्छा ये भी तंग आ गए इनसे। नहीं अब मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो मैंने इतना अच्छा शूट किया ना, बहुत अच्छा। गाइस मेरे दांत में मूंगफली का छिलका लगा था, इसने बताया नहीं, और वो भी छिलका मेरे रील्स में आ गया, हर लोग कह रहे होंगे। सुनसान हो चुका है गाइस, एकदम शाम हो गया, हमें ऑटो वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना रिस्क लेती इस वीडियो के चक्कर, कुछ होता होता नहीं। वो देख कहाँ भाग गई ज्योति, क्योंकि रात हो रही ना, डर लग रहा है उसको। पापा पीछे बोल बोल, ओए उधर वाली सब पता नहीं क्या है, बच्चे भाग जा। वो देखो उधर तक जाने। हाँ और बस और डर कर यहाँ से जल्दी निकलो।
डर तो मुझे भी लग रहा है तेरे से ज्यादा, अपने आप ही चल रहा हूँ मैं तो। देख लो कौन है पीछे। क्या सियार? अच्छा ये देखो इनका सियार। हमारा लड़का बाहर निकल, बुड्ढे भी उनके साथ कर ले भैया, डर लग रहा। नहीं नहीं यूं बनाता हूं चलूंगा ना। हां This is Gobar. This called Gobar. Happy birthday. Happy birthday. चल केक काट लेते थोड़ा। To you. Happy birthday. पास दिखा दे उनसे। To you सूरज। चलो। अरे चलो। चला जा। मैंने उन्हें फालतू में आवारा पवारा कह दिया। मेरे भाई लोग खुद ऐसे जाते रहते, ऐसे करते रहते, मगर वो बेचारे अच्छे थे। मतलब उन्होंने मतलब ऐसे देखा भी नहीं, इतने अच्छे थे बेचारे। मुझे तो सारे अच्छे लगते, मतलब अच्छे लगते ऐसे शरीफ से, बट बहुत लोग नहीं होते। बट वो ठीक थे, हमें डर लग रहा था। वो नहीं डरती यार, मुझे डर लगता। जिस बात का डर था हमें वही हुआ आखिरकार। ज्योति क्या हुआ? हम सब जंगल में गाना कैसे बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। गाइस देखो रास्ता बड़ा लंबा है, और देखो देखो कैसे, ये देखो। सुनो ए, यहाँ पर किसी को पिकनिक मनाने आना पड़े और रात भर रहना पड़े, खाना पानी करना पड़े तो मर जाऊँ मैं तो डर डर के। कैंपिंग करनी पड़ी तो कैंपिंग के लिए प्लान करके आते हैं। अच्छा कैंपिंग करके प्लान करके आना पड़े तो ओला पे देख रहा, गोला ड्राइवर ढूंढ रहा है अभी ओला हमारा। भरा यार कैसे रखोगी? हाना का वेट कर रही थी ना कि हाना आ जाए, फिर जाए तो हाना 3 बजे सुबह खाना पीना सब खिलाया, 4 बजे आता है। उसको बिना लिए कैसे आती? गाइस नदी, गाइस नदी, नदी, दिस इज नदी गाइस। हां नदी हो, नदी नहीं, ऐसा लग रहा है कि गांव में जुपुरिया ना। गाइस उन्होंने हमें डरा दिया, पहले घूर रहे थे फिर अचानक से नहीं वो पता है ऐसे पहले घूर रहे हमें देख के चुपचाप आ रहे आ रहे अचानक से हम डर गए। सवारी कोई है? रुक रुक सवारी है मेरे से तो बड़ा बदतमीजी करता है, तो मैं उठाऊंगी क्यों उसे? बदतमीज बच्चों को नहीं खाती हूँ, अपना शरीर भारी है इसको उठाऊं मैं। गाइस ना तो कैब वाले उठा रहे हैं, मतलब ना ऑटो वाले उठा रहे हैं, जो भी उठाते हैं वो ऑनलाइन बुक करो। कोई नहीं मिल रहा यार यहाँ पर, यहाँ पर आने के लिए कोई रेडी नहीं है। संत श्री आसाराम जी, आसाराम जी, आसाराम जी, ये लिखा है वहीं से पढ़ के बता रहा है। तो गाइस अब इसकी स्टोरी आप लोगों को पता चली होगी, आसाराम बाबू पता है ना कौन थी, बहुत बड़ा बनाया है। अरे भैया बहुत अच्छा, कोई भी जा सकता है, जा सकते हैं। ओए नेक्स्ट टाइम यहाँ का टारगेट है, यहाँ कुछ है और पता है ना आसाराम कौन था, पता है जेल में ना, जेल में ना। गाइस बहुत डर लग रहा है यार, रात होती जा रही है और यहाँ ना घर भी एक नहीं है, जंगल है पूरा, लाइटें भी नहीं लगी यार। क्या कह रहा है इसका कोई लड़ा ले जाओ। हम आए भी ना थोड़ा शाम होने लगी, मिल गया।
थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। यहाँ से ना हमारा घर पास में है तो बस अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वो भैया मिले थे पूरी फैमिली को, बच्चा उनकी वाइफ थी, दो बच्चे थे, उनकी मम्मी थी, बेचारे उन्होंने रोक दिया वैसे, और बस हम कैसे आ रहे हैं हम भी जानते हैं। रिस्क नहीं लेंगे नेक्स्ट टाइम से, बहुत रिस्क लेंगे इस ब्लॉग के चक्कर में। और वो बोल रहे थे ऐसे कभी किसी के उसमें बैठना भी मत, फैमिली को तो ही बैठना है, समझा दी। गाइस घर पर पहुंच गई थी, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया तो ये आ गए हस्बैंड जी। आना पापा एक पागल पड़ पीछे में, और ये इसके ऊपर इतनी गुस्सा आई ना, उधर ही पागल की तरफ जा रही थी, मन कर रहा था इसको वही पटक पटक के मारूं। बढ़िया। तो गाइस मुझे एक दीदी बुला रहे, मैंने दी एंड तो कर दिया था बट अब जा रही बेचारे, वो मुझे घूमने के लिए बुला रहे, वो मुझे हमेशा बुलाते, मैं कभी नहीं जाती, आई थी मैं थकी थी बट मुझे नहीं जाना था, बट अब ये कह रहे चली जाओ कभी घूम भी लिया करो। ये तो हमेशा ही भेजते हैं, पता नहीं क्यों भेजते रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ बेचारे, इतना बुला रहे, तो इतनी ठंडी है, तो चलो जूता उता पहन लेती हूँ। आज के पैसे आई बहुत ठंडा है। तो ये साइकिल लेके आया है, जा रहा है आटा लेने, मैंने भेजा था आटा पिसाने के लिए, तो अब मैं जा रही साइकिल में बैठने, दोनों तरफ से बैठ गए एक तरफ यार वैसे लोग मिल पा रहे। अरे बहुत साल बाद साइकिल पर मिल का आदमी, अरे गिराने बाद बहुत टाइम बाद गाइस साइकिल पर बैठी, ये मैं सैर करने जा रही गाइस गरीब लोग निकलते, मतलब गरीबी है मतलब अमीर है मतलब दोनों है, अपने आपको कभी गरीब नहीं कहना चाहिए, अपने आपको अभी समझना चाहिए। और तो मतलब वो समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती, कैसी वीडियो समझ गया सुधर। हाँ बस रोक दे, एक दीदी मिलेंगे मेरे को, रुको दीदी आ जाओ यार, घर पे रखो। हाँ बाय, हेलो ब्लॉग में बोलो मेरे, चलो आ जाओ शहर करने यार, रोज भी ला लेकर फिर मैं पतली हो जाऊंगी। हाँ मैं डेली आती हूँ, ये मुझे भेजते मैं नहीं आती, मेरे बस का ही है। अभी मैं पता है सोच आपको मना नहीं करी थी कि मैं अभी आई हूँ घूम के ऐसा वैसा, ये कह रहे जा तू जा। चलो और अचानक से मुझे याद आया कि मैं क्या तुम्हें कॉल करूँ। तो गाइस घूमने आई थी तो दीदी तो कहते हैं मैं कभी बैठती नहीं, मैंने दो चक्कर लगाए ना और भी छोटे छोटे, इनको मैंने बिठा लिया, मैंने पाँच चक्कर लगाते हैं लेकिन मैं 10-12 लगा लेती हूँ। तो बस अब मैं बैठी हूँ, मतलब इतनी ठंड में पहली बार ऐसे बैठी हूँ, ये बेचारे हमेशा मुझे बुलाते मैं आती नहीं हूँ सच में, तो आज ये कह रहे तू चली जाता, तू हिल लिया कर बैठ से, फिर चर्बी बढ़ती जा रही है। ये जिम के लिए इतना बोलते, मेरी वहाँ भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि जिम वाले भैया बोलते मेरे को क्या बोलते, तुम सोया करो फिर उठा करो फिर से सो जाया करो, क्योंकि मैं वहाँ इतना थक जाती थी। अरे देखो यहाँ से गड्डियाँ कैसे जा रही हैं मस्त। चलिए हम बातें कर लेते फिर आपसे मिलते बाद में। आप कैसे घूम लेते हो यार, मैं तो जरा सा भी नहीं चली और मुझे ठंडी तो नहीं लग रही। घूमना पड़ता है, सेहत ठीक रखनी है तो, बीमारियों से दूर रहना है तो। देखो गाइस कुछ दिख नहीं रहा, बजे कितने अभी, 4। देखो ये मेरी रील देखेंगे।